ठीक है, तो ना आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का ये टॉपिक है। हाँ सुमन, वैसे तो डिफिकल्ट है, ऑब्वियस जेनेटिक्स डिफिकल्ट है, पर अपन उसको भी इजी इजी कर लेंगे। जैसे अभी तक सब कुछ इजी इजी क्रिस्टल क्लियर जैसा किया है ना, वैसे इसको भी कर लेंगे, वरी नॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो ना, ड्रग्स जो होते हैं, हाँ ड्रग्स के दिमाग में है ना के बाद बायोटेक। हाँ राइट राइट, हो गया राइट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी क्या अपन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखो ड्रग्स सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या नाम आता है कि यार मतलब लोग क्या कर रहे होंगे, नशे कर रहे होंगे, कुछ ऐसा कर रहे होंगे। अल्कोहल से मतलब दिमाग में आते हैं ना यार, क्या एकदम बिल्कुल कोई ऐसे कि जो पी के बिल्कुल पागल हो रखे हैं बहुत। अब्यूज का मतलब क्या होता है, देखो एक होता है ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। देखो आप कोई भी दवाई ले रहे हो, आप कोई भी दवाई ले रहे हो, ठीक है, तो वो दवाई क्या है उसको आप क्या बोलोगे? वो दवाई एक ड्रग ही है। लाइक पैरासिटामोल ले ली आपने, डोलो ले ली, कोई भी एक्स वाई जेड दवाई ले ली, वो है एक ड्रग। ठीक है, तो अल्कोहल और ड्रग अब्यूज क्यों बोला गया है? मतलब कोई चीज एक्सेस में जो आपके लिए हानिकारक है, जो आपको अच्छी की जगह आपका नुकसान करा दे, तो वो हो जाता है ना अब्यूज हो जाता है। ठीक है, ड्रग वैसे अगर नॉर्मली लिए जाए तो अच्छे हैं, पर अगर वो एक्सेस में लिए जाए, जितना प्रिस्क्राइब किया गया है उससे ज्यादा लिए जाए, तो वो आपके लिए हानिकारक हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, अलग अलग साइड इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। राइट, ठीक है, तो ना काफी तरह के हम जैसे कॉमनली जो ड्रग्स है, अब ऐसा नहीं है कि सारे ड्रग्स अब्यूज किए जा सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई भी ड्रग उठाया, इतने सारे ड्रग्स हैं केमिस्ट्री में, आप इतने सारे ड्रग्स पढ़ोगे। अब ऐसा नहीं है कि हर ड्रग्स को एक्सेस में लेके मतलब साइड इफेक्ट आ जाए। कुछ ड्रग्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं ओपियोइड्स के बारे में। ठीक है, जैसे हम ना एक कैटेगरी होती है, ओपियोइड्स एक कैटेगरी हो गई, कैनाबिनॉइड्स एक कैटेगरी हो गई, फिर इसके अंदर है ना वो सारे नाम आते हैं, जैसे आप लोग कंफ्यूज रहते हो, ठीक है, कि यार मैम हीरोइन क्या होता है, स्मैक क्या होता है, मैम हीरोइन क्या होता है, स्मैक क्या होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा मारिजुआना के बारे में, हशीश के बारे में, चरस गांजा तो सबने बेसिकली सुना ही होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैनाबिनॉइड से। तो एक आप समझ लो, एक ऐसी वाइड कैटेगरी है जिसको एक टॉपिक दिया गया है और उसके अंदर सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं ओपियोइड्स के बारे में कि ओपियोइड्स क्या होते हैं। ठीक है, राइट राइट। अब जैसे आप देखो ना कि कफ सिरप जो होती है, कफ सिरप होती है, अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले अब अपन ना ड्रग के बारे में बात करते हैं, अपन ओपियोइड्स के बारे में बात करते हैं। देखो मैं लिख रही हूं, बाइंड्स टू बी लिमिटलेस। अरे बी लिमिटलेस नहीं, इन बी इन लिमिट जूबिया, बी इन लिमिट, लिमिटलेस तो वो हो गया, अपनी लिमिट के बाहर चले जाओ, अनचन तरीके से लेते जाओ। बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड, देखो अपने ब्रेन में ना अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं, ये अपन को पता है, तो ओपियोइड्स रिसेप्टर्स कहाँ पे जाके बाइंड करते हैं, ओपियोइड्स कहाँ पे जाके बाइंड करते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं अपने ब्रेन में। ठीक है, वहां पे जाके बाइंड करते हैं, सबसे पहली तो बात ये। ठीक है, बस ये याद रखो, इन आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे जाके ओपियोइड्स बाइंड करते हैं और अपना काम दिखाते हैं। तो अपन कुछ ओपियोइड्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक से जो अपन पढ़ने वाले हैं हीरोइन के बारे में। आपने वो मूवी देखी होगी हेरा फेरी, हेरा फेरी के अंदर ना अक्षय कुमार लाइक वो हीरोइन उसको बहुत सारी मिल जाती है, व्हाइट कलर का पाउडर, वो बोलता है ये असली हीरोइन है नहीं है। तो हीरोइन आपको समझ आ चुकी होगी कैसी दिखती है, क्या होता है, ये सबको दिमाग में आ चुका है ना हीरोइन कैसी होती है। पहले तो ये बताओ सही है सर नो। देखो एच फॉर हीरोइन, ये आपने देखी है एच फॉर हेरा फेरी में, ठीक है, हेरा फेरी मूवी में आप देख चुके हो हीरोइन को।
याद है ना सबको? हाँ राइट राइट राइट, तो स्मेल करके पता कर लेते हैं कि असली है या नकली है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रह जाएगा H फॉर हीरोइन, और हीरोइन अपन ने किस में देखी होती है? हेरा फेरी मूवी में। ठीक है, तो अब आपको याद रहेगा इसे। तो अब ना देखो, कोई भी अपन ड्रग को पढ़ रहे तो अपन उसको ऐसे नहीं कि देखा पाउडर फॉर्म में है, उसको केमिकली पढ़ना पड़ता है। वो इतनी बोलते केमिस्ट्री लैब के अंदर परफॉर्म होती है चीजें, तो केमिकली ना क्या होता है, ये कैसे बनती है? इसको बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फीन। ठीक है, डाई एसिटाइल केमिकली, डाई एसिटाइल मॉर्फीन, एक ये चीज है याद रखने की। ठीक है, दूसरी देखो, हीरोइन याद है हेरा फेरी में, तो अपन को पता है कि कैसा पाउडर होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, और वो सूंघता है, तो याद रखो उसको कोई स्मेल नहीं आ रही है। वो जब अक्षय कुमार उसको सूंघता है ना पाउडर को, तो अगर उसमें कोई स्मेल आ रही है तो उसे पता पड़ जा रहा है कि ये कोई हीरोइन नकली हीरोइन है, पर जो असली हीरोइन होती है ना उसके अंदर से स्मेल नहीं आती है। तो अक्षय कुमार कैसे पता करता है कि भैया व्हाइट कलर का पाउडर है, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं आ रही है, मतलब ये असली हीरोइन है। ठीक है, और वो टेस्ट करके भी पता करता है थैली फाड़ के, तो कैसे पता करता है कि वो बिटर होती है थोड़ी सी और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होती है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? हीरोइन सबके दिमाग में बैठ चुकी है ना, केमिकली क्या होती है, व्हाइट होती है, ओडरलेस होती है, बिटर होती है, क्रिस्टलाइन होती है, ये सबको क्लियर है? यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन, कोई भूलेगा अब इसके आगे? इसके आगे तो मुझे नहीं लगता कोई हीरोइन को भूलने वाला है, वैसे सब याद करते रह जाते, किसी को याद नहीं होने वाला था। ठीक है, अब देखो हीरोइन सबको याद हो चुका है कि क्या था। ठीक है, अब ना ये कहां से, भाई हीरोइन कहीं से तो आई होगी, अक्षय कुमार ऐसा थोड़ी पैकेट ले लेके बैठ गया। अब अक्षय कुमार को वो हीरोइन मिली कहां से? तो अक्षय कुमार के पास वो पता है कहां से पहुंची है? ऑप्टेंड। अपन ना ये पढ़ने वाले हैं, ऑप्टेंड बाय एसिटाइलेशन। आप केमिस्ट्री में पढ़ते रहते हो ना एसिटाइलेशन वगैरह, पूरा जो प्रोसेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फीन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फीन, जो मॉर्फीन होती है ना उसका एसिटाइलेशन होता है तब हीरोइन बनती है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मॉर्फिन, यहाँ पे भी मॉर्फिन, यहाँ पे भी मॉर्फिन, तो केमिकल इसको बोल दिया है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, और यहाँ पे ऑप्टेन कैसे है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। बस इतना याद रखो, एसिटाइल मॉर्फिन, एसिटाइल मॉर्फिन, हीरोइन, और ये सारा जो अक्षय कुमार के अराउंड अराउंड चल रहा है, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, याद आ जाएगा एग्जाम से। ठीक है, एक हो गया ऑप्टेन कैसे हो रही है, एक केमिकली क्या है, तीसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से हो रही है, इसको एक्सट्रैक्ट कौन से प्लांट से करते हैं, कोई पेड़ होगा ना जहां पे ये उगती होगी, तो ये उगती है लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, जिसको ओपियम पॉपी बोलते हैं, है ना? तो ये तो बहुत इजी रहता है, ये तो याद हो जाता है बच्चों को, क्योंकि ओपियोइड्स है, ओ से ओपियोइड्स, ओ से ओपियम पॉपी प्लांट, है ना? तो ये तो याद हो जाएगा, इसको तो याद नहीं कराना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पेपेवर सोमनी सोमनी फेरम। तो बस इतना सॉर्टेड था ये, इससे ज्यादा एक चीज और है। हाँ, इसका मोड कैसे है कि अपन लेते कैसे है? अब देखो आपको पता है कि अक्षय कुमार उसको कैसे, आपने अक्षय कुमार ने उसमें बता दिया कि वो किस किस तरीके से ले रहा है। एक तो देखो अक्षय कुमार ने लिया नहीं था, पर यहाँ पे अपन बता सकते हैं इंजेक्शन से ले रहा है और एक स्नॉटिंग से ले रहा है। कोई मुझे बताएगा स्नॉटिंग क्या होता है, किसी को पता है स्नॉटिंग क्या होता है? इंजेक्शन से तो अपन लेते हैं वो सबको पता है, स्नॉटिंग क्या होता है वो बताओ। चलो हाँ, सहजला कश्यप, राइट राइट, वो सूंघ कैसे पता करता है, यूं करके उसको स्मेल आती है उसके अंदर कि यार ये तो असली माल है, ऐसे वो बोलता है ना, तो ऐसे ही अपन पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मोड, उसके बाद वो हम ले क्यों रहे हैं, कुछ तो इसका फंक्शन होगा। तो सबसे पहले ये होती है डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन। ये क्या करती है, बॉडी के फंक्शंस को ना, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, बॉडी के फंक्शन को इतना स्लो कर देती है, इतना स्लो, इंसान बहुत रिलैक्स फील करता है, सब कुछ उसके लिए ना बहुत धीरे धीरे चलने लगता है, और वो थोड़ा डिप्रेसेंट भी होती है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? बस इतना सा था इसके बारे में, हीरोइन के बारे में। हीरोइन सबको क्लियर है? हीरोइन याद हो गया है सबको? हाँ राइट प्रीत, हीरोइन याद हो गया है, इजी था हीरोइन। किसी को हीरोइन में कंफ्यूजन? हीरोइन में बस ये याद रखना है, हीरोइन का पूरा पार्ट हेरा फेरी में दिखा दिया था, जो अक्षय कुमार ने बताया, बस वो याद कर लेना, एच फॉर हीरोइन, एच फॉर हेरा फेरी वाला, तो आए तो बता देना। और इसके अंदर बस एक मॉर्फिन याद रख लेना,
तो एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन होता है, बाकी पूरा क्लियर है हीरोइन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट के अंदर जो दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैने बिनॉइड्स। क्या है? कैने बिनॉइड्स। ठीक है, अब ना ये जैसे अपन ने यहाँ पे क्या देखा था कि किससे बाइंड करता है, ओपियोइड्स है तो ब्रेन में ओपियोइड रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाएगा, तो कैनाबिनॉइड्स कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, ब्रेन में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर होते हैं वहीं पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है, ये तो सबको क्लियर है, इसमें तो कुछ याद करने वाला नहीं है क्योंकि ये सेम सेम है। अब ठीक है, अब बात है ये ऑप्टेन, फिर से हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्टेन के बारे में, कैसे कहाँ से कौन से प्लांट से लिया जाता है, प्लांट में से कैसे लिया जाता है, तो इनफ्लोरेसेंस जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के, फूल पत्ती इन सबसे अलग अलग जगह से इनफ्लोरेसेंस ऑफ प्लांट, ठीक है, प्लांट के इनफ्लोरेसेंस से लिया जाता है, और कौन सा प्लांट, कैनाबिस सैटिवा। देखो कैनाबिस, ये देखो नाम याद रहेगा, प्लांट के नेम याद करना हार्ड नहीं है, पीछे प्लांट का इसका नाम था ओपियोइड्स, इसका प्लांट का नाम है ओपियम पॉपी, ओ ओ वैसे याद हो जाएगा, कोई नहीं पूछने वाला क्योंकि बहुत इजी है। कैनाबिनॉइड्स कैनाबिस सैटिवा, प्लांट के नाम याद करना बहुत इजी है, ये तो वैसे याद हो जाएंगे, इसके अंदर तो सीधा सीधा एमसीक्यू में अपन को दिख जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि फ्लावर टॉप्स लीव्स रेजिन कुछ भी ले लो, प्लांट्स के अलग अलग पार्ट मिलके ना कैनाबिस बनाते हैं, ऑफ कैनाबिस कैनाबिस प्लांट के ना अलग अलग पार्ट है, लीव ले लिया, उसका फ्लावर ले लिया, रेजिन्स ले लिए, अब उनको क्या करते हैं अलग अलग है ना उसके कॉम्बिनेशन बना देते हैं, कि फ्लावर फूल को और पत्ती को मिला दिया कभी कभार, कभी कभार रेजिन्स को और उसके कुछ और पार्ट को मिला दिया कैनाबिस प्लांट के, और ये अलग अलग पार्ट मिलके कौन क्या क्या अलग अलग ड्रग्स बना देते हैं, कौन कौन से ड्रग्स बनाते हैं चलो वो देखते हैं, अभी आएगा इंटरेस्ट आपको। देखो आर यूज इन वेरियस कॉम्बिनेशन, तो अब वो वेरियस कॉम्बिनेशन अलग अलग पार्ट लेके क्या क्या बन रहा है, देखो इन सारे ड्रग्स के नाम आपने सुने होंगे, पहला क्या है, ठीक है क्लियर, सेकेंड क्लियर, हशीश शरस गांजा मार्जुआना गांजा वगैरह ये सब क्लियर है, बहुत नॉर्मली सुनते हैं यार क्या गांजा ले रहा है क्या क्या चरस हशीश, ये सब जो अपन कॉमनली सुनते आ रहे हैं, बस ये याद रखना जो कॉमनली सुनते आ रहे हैं, जो अपन को ड्रग्स का नाम लेते दिमाग में चढ़ता है सबसे पहले चरस गांजा इन सब पे जिनपे सॉन्ग्स भी बनते हैं हशीश वगैरह, वो सारे अपन को कैनाबिनॉइड्स में डाल देने हैं। ठीक है, अब तो लिए कैसे जाते हैं, सबके मोड कॉमन ही है यार, देखो इसको भी इनहेलेशन, ये तो बहुत कॉमन मेथड है, आप देखते होंगे कि लोग इस पे हाथों पे रख के ऐसे मतलब सूंघ रहे हैं स्नॉट कर रहे हैं, और देखो और भी बहुत सारे तरीके, आपने कभी वो वाला तरीका भी देखा होगा ओरल इंजेक्शन, लाइक ओरली भी ले रहे हैं लोग, ठीक है लोग लाइन बना के भी लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या करता है, इसका अफेक्ट क्या हो रहा है, लोग क्यों ले रहे हैं, ड्रग है कुछ तो काम होगा, तो ये क्या करता है, इट अफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी, ये बॉडी के ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है, यानी कि कहाँ पे अफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन पे अफेक्ट करता है। ठीक है, राइट राइट यश, ठीक है क्लियर है, बस इतना सा ही था कैनाबिनॉइड्स के बारे में, कैनाबिनॉइड्स के बारे में कुछ नहीं जानना है, कैनाबिनॉइड्स क्लियर है कि कैनाबिनॉइड पे जाके रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करता है, कैनाबिस सैटिवा से मिलता है, अब कैनाबिस सैटिवा के अलग अलग प्लांट के ना अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए, फूल पत्ती मिला दी, पत्ती रेजिन मिला दिया, तो कुछ मारिजुआना मिल गया, हशीश मिल गया, चरस मिल गया, गांजा मिल गया, तो ये सारे जो कॉमन नाम सुनते हैं ये सब डाल दो कैनाबिनॉइड्स में। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स क्लियर है। ठीक है, दो सबसे हार्ड पार्ट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब बस एक और बच रहा है पार्ट जिसको हम लेंगे। ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना, ये थोड़ा ध्यान से सुनना, कोका एल्कलॉइड और कोकेन, कोकेन के बारे में भी बहुत सुना होगा, कोकेन के बारे में है ना, कोकेन का ही दूसरा नाम है कोका एल्कलॉइड। ठीक है, अब
तो अब फिर से इसमें भी बात कर लेते हैं। सब में ना कुछ लिमिटेड ही बात करनी है कि ऑप्टेन कहाँ से होता है, यहाँ पे भी देखो ऑप्टेन कहाँ से होता है, कौन से प्लांट से मिल रहा है, ठीक है, और कर क्या रहा है, इसका एक्शन क्या है, क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि हर ड्रग अलग अलग क्यों लेते हैं, कोई ले रहा है कोई अलग ड्रग ले रहा है, कोई अलग ड्रग ले रहा है, ऐसा क्यों, हर कोई सेम ड्रग क्यों नहीं ले रहा है। देखो किसी को चाहिए कि यार मेरे सामने ना मतलब दुनिया अलग अलग दिखने लगे, मैं हेलुसिनेट करने लगूं, कि मतलब पता पड़ा जूबिया को चाहिए कि उसके सामने ना क्या नाम है, यश जो है उसको चाहिए यार सामने मेरे को ना ऐसे यश तो दिखनी ना, अब मेरे को चाहिए यश मेरे को ऐसे सामने दिखने लगे, यश प्रेजेंट नहीं, तो वो हेलुसिनेट करेगी, ठीक है। तो और कुछ होते हैं ऐसी चीजें जो नहीं दिख रही है, और लोगों को बहुत इमेजिनरी दुनिया चाहिए होती है कि लाइंस ऐसे कुछ भी दिख रहा है, कुछ लोगों को ये चाहिए होता है, किसी को एक फीलिंग चाहिए होती है खुश होने वाली, लोग कोई ड्रग्स लेके ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, किसी को वो चाहिए, किसी को ऐसा होता है कि यार मुझे ना नशा करके एकदम ऐसे होना है, पीछे चिल करना है, रिलैक्स करना है, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, किसी को बहुत एक्साइटेड होना है, किसी को बहुत अपने बॉडी फंक्शन स्लो करना है, तो इसका कंक्लूजन ये है कि हर ड्रग का ना एक्शन अलग है। जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था कि इसका ओपियोइड का जो अक्षय कुमार उसके अंदर हेरा फेरी में ले रहा था, उसके सारे क्या फंक्शन थे, वो डिप्रेसेंट था और बॉडी के फंक्शन को स्लो करता था, देखा ना वो कितना उसके अंदर हेरा फेरी के अंदर वो कौन सा किसको क्या बोलते हैं, वो चश्मा लगाता है वो, मतलब कितना स्लो स्लो सोचता है, तो उसे याद रखना कि यार सारे काम आप स्लो करता है वो, कितने उनके जो रहते हैं हाँ राइट राइट यस, तो वही ना, तो बॉडी के फंक्शन स्लो करता है, थोड़ा ऐसे ऐसे याद रख लेना। अब कोका एल्कलॉइड क्या है ना, ठीक है, कोका एल्कलॉइड के बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। हाँ बाबूराव राइट राइट राइट, अब बाबूराव को जैसे कोई चीज समझ नहीं आती उसके फंक्शन थोड़े स्लो है, तो वैसे याद रखना हेरा फेरी वाली चीजों में क्या होता है कि अपने फंक्शन स्लो हो जाते हैं, ठीक है। तो कोका एल्कलॉइड यानी कोकेन के बारे में थोड़ा देखते हैं कि ऑप्टेंड कहाँ से किया जाता है, तो ये भी देखो कोका प्लांट, एरिथ्रो जाइलो कोका, ठीक है, ये कहाँ पे मिलता है, ये मिलता है साउथ अमेरिका में, कहाँ पे मिलता है, साउथ अमेरिका, आउट ऑफ इंडिया का है, मतलब ड्रग महंगा आने वाला है, इंडिया में नहीं मिल रहा है, ड्रग तो महंगा आने वाला है, कोकेन तो महंगी मिलने वाली है, क्योंकि वहां से यहां तक लाना और अच्छी खासी क्वांटिटी में इलीगली प्रोवाइड करवाना, तो कोकेन तो महंगी मिलने वाली है ये समझ लो, ठीक है। तो अब ये भी बहुत सॉर्टेड है यार, मतलब देखो कोका एल्कलॉइड प्लांट का नाम है इरिथ्रोजाइलो कोका, कोका कोका ये क्लियर है, ठीक है, गाना भी चल रहा है, ठीक है। इसलिए इसलिए ना देखो किसी को चाहिए यार मेरे को बहुत धीरे धीरे रिलैक्स फील करना है, बॉडी फंक्शनिंग स्लो हो जाती है किसी में, किसी को यूफोरिया यानी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, किसी को चाहिए यार उसको खाके मैं बहुत खुश हो जाऊं, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाऊं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो भी ड्रग्स लेते हैं आपने सुना होगा, तो वो क्यों लेते हैं कि उनकी एक्टिविटी तेज हो जाए, वो जो नॉर्मल एक्टिविटी जिस पेस से अपन कर रहे हैं उससे उनकी स्पीड बढ़ जाए, जो वो कर रहे हैं वो बहुत तेजी से होने लगे, कभी उसके लिए लेते हैं, कभी उनके बॉडी फंक्शनिंग स्लो हो जाए, कभी उनको रिलैक्स करना है, चिल करना है, थोड़ा ना हर चीज को बहुत स्लो डाउन कर देना है, कभी उसको ले रहे हैं, तो हर ड्रग का फंक्शन अलग है, इसलिए हर ड्रग अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है, ठीक है। और जैसे पता पड़ा किसी को भागना है, जैसे मिल्का की स्पीड से किसी को भागना है, मिल्का सिंह जी की स्पीड से किसी को भागना है, ठीक है, तो उसकी स्पीड से भागने के लिए पता पड़ा किसी ने ओपियोइड्स ले लिया, ठीक है, अब कोई ओपियोइड्स ले लिया, पता पड़ा वो रेस में भाग ही नहीं पाया, तो उसको ओपियोइड्स नहीं उसको दूसरे ड्रग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है, तो ऑप्टेन कैसे हो गया वो पता पड़ गया, तो अब ये करता क्या है, इंटरफेयर विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरो रिसेप्टर्स, कौन से न्यूरो रिसेप्टर्स, सॉरी न्यूरो रिसेप्टर्स नहीं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स कौन से, डोपामीन, ठीक है, डोपामीन कितना जाएगा, नहीं जाएगा, कम जाएगा, ज्यादा जाएगा, वो ये सब डिसाइड करता है, ठीक है। तो अब ना क्या करता है, कोक, अपन कोक के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जिसको स्नैक भी बोलते हैं, तो मोड क्या है इसको लेने का, कैसे ले रहे हैं,
स्नॉटेड, स्नॉटेड तो सब में ही डाल दिया गया है, ये याद रखना। तो मैंने क्या बोला कि देखो अब आपको मिल्खा सिंह जी की स्पीड से भागना है, ओपियोइड्स तो ले नहीं सकते, पता पड़ा आपने ओपियोइड्स ले लिए आप तो वहीं रह जाओगे, 1 2 3 कर रहे हैं सब भाग गए, आप तो उठ ही नहीं पा रहे, आपकी दुनिया तो धीरे धीरे चल रही है, आपकी दुनिया थम चुकी है, आप तो रेस में हार जाओगे। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा कोकेन, कोक। क्यों? क्योंकि कोक क्या करता है, स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है इसका, स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग एक तो यूफोरिया, आपको खुश होना है, मतलब हैप्पी हैप्पी, खाने के बाद आप या जैसे भी तरीके से ले रहे हो आपको सिर्फ हंसते रहना है, ठीक है, बहुत दुखी हो आप तो ये लेते हैं, एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। अभी समझ आया कि हर ड्रग अलग अलग क्यों लिया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन क्यों अब्यूज करते हैं ड्रग का, क्योंकि क्यों इलीगल माना जाता है ये, ठीक है। तो अभी मेरे को लगता है कि सबको याद रहेगा कि कोक है ना फंक्शंस को बढ़ाता है, यूफोरिया कराता है, ओपियोइड सारे फंक्शंस स्लो कर देता है, वैसे ये याद नहीं होता है, ठीक है। एक्सेसिव डोजेस ऑफ कोकेन, अब ना बहुत ज्यादा डोजेस ले लिए कोकेन, आपको लग रहा है कि मेरे को बहुत ज्यादा खुशी देने वाला है, मेरी एनर्जी इंक्रीज कर देने वाला है, तो बहुत सारा ले लो, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो सब तो दूर गया, इसकी वजह से हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाता है। हेलुसिनेशन बोले तो जो चीज नहीं है ना वो भी दिखने लग गई है, पता पड़ा किसी को यहाँ से सामने से जाते हुए रूम में बैठे बैठे दिख रहा है कि यार मेरे सामने से, मेरे बेड पर से ट्रेन निकलती हुई दिख रही है, ऐसे हेलुसिनेशन हो सकता है, ठीक है, क्लियर है सबको। ओरल ओरल यश, ठीक है, हाँ राइट, जो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये तीन मेन थे जो मुझे लगता है ना, जिसमें आपको ड्रग्स किसी ने बोला भी तो बहुत हार्ड होते हैं, नहीं याद होते ये वो, तो मुझे लगता है ये ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोकेन, अब सबको क्लियर हो चुका होगा, अब ये यहीं पे क्लियर हो चुका होगा और याद हो चुका होगा, मेरे को नहीं लगता किसी को इसको वापस याद करने की या पढ़ने की, ड्रग की तो अब जरूरत किसी को पड़ेगी नहीं, ड्रग से सबको हार्ड लगता है यश, तो फिर है ना क्या नाम है, मेरे को डिजीज में दिक्कत है, तो यश तो फिर आपको आज, आज आप इतने दिन बाद आए हो, बाकी ये जो बच्चे बैठे ना इनसे पूछो, इनको सारी डिजीज अच्छे से क्लियर हो चुकी है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि जिसको डिजीज क्लियर नहीं है, इनको सबको लाइफ साइकिल सब कुछ ना टिप्स पे हो चुका है। हाँ बेटा वैसे कहा था इतने दिन, यश कहा था क्या, मैंगो का सीजन गया तो तू भी गायब, कि मैंगो शेक नहीं मिल रहा, मैंगो नहीं मिल रहा तो मैं भी इस दुनिया से गायब, मैंगो नहीं तो मैं भी नहीं, ठीक है। अब कुछ ड्रग्स होते हैं लाइक बारबी ट्यूरेट्स, एक होता है एम्फिटामीन, और होते हैं बेंजो डाया जिपाइन, ठीक है। तो अब जैसे ये तीन ही ले लिया, बारबी ट्यूरेट्स, एम्फिटामीन, बेंजो डायापेन, बहुत हार्ड हार्ड नाम है मैम, स्कूल और कोचिंग के काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया था, मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं ना, इसलिए ओहो बड़ी बड़ी बातें, लैब वर्क कर रहा है यश कोई बात नहीं, पर ऐसे मैंगो का सीजन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लास में नहीं आना है, क्लास में आना है अपन को, है ना, कोई बात नहीं, अभी का अभी के लिए आप, है ना, कोई बात नहीं, ओहो इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके यश, ठीक है। तो अब जैसे तीन ड्रग है तो ये क्या करते हैं, ट्रीट, अब कोई डिप्रेशन में चला गया है, जैसे ये यश है इसको टाइमिंग इशू आ रहा है, तो पता पड़ा टाइमिंग इशू लेते लेते बेचारा डिप्रेशन में चला गया, तो इसका डिप्रेशन ठीक करने के लिए क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे, ट्रीट डिप्रेशन, देखो यश की बीमारी का इलाज ये रहा, ठीक है। हाँ तो कौन कौन से अपन यश को कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं, ठीक है, अपन बारबिट्यूरेट्स दे सकते हैं, एम्फिटामिन्स दे सकते हैं, बेंजोडायपिन्स दे सकते हैं, क्योंकि इस डिप्रेशन में जा चुका है, ठीक है, कि यार मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा है, ये वो मैं क्या करूं, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये वो, पर ठीक है आपने यश को लिमिटेड क्वांटिटी में दिए तो यश ठीक हो जाएगा, पर अगर इनको अब्यूज किया यानी एक्सेस क्वांटिटी में दिया
तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो इंसान को ठीक भी करते हैं, पर इंसान को अगर अगर अब्यूज किए जाए, एक्सेस क्वांटिटी में दिए जाए, तो वो अब्यूज भी हो सकता है। ठीक है, बताएंगे बताएंगे सुमन, अभी बताएंगे, अभी ड्रग्स कर ले, फिर अपन इन्हीं को पकड़ेंगे। ठीक है, ठीक इफ्राई सिंह लंबी लंबी मत फेंक। ठीक है, अब देखो, पता पड़ा कि कि मतलब बहुत ज्यादा कोई रेस वे कर रहा है, किसी को कोई लग गई, किसी को बहुत दर्द है, तो अब दर्द की भी दवाई है हमारे पास। दर्द की कौन सी दवाई है? मॉर्फिन। कहीं तो पढ़ा था मैं, मॉर्फिन मॉर्फिन याद नहीं आ रहा। देखो ये रहा मॉर्फिन, ये मॉर्फिन याद है ना, देखो मॉर्फिन। ठीक है, तो मॉर्फिन वगैरह ये सारी चीजें ऐसी है ना कि अगर इन सब चीजों को लिमिटेड लिया जाए ना, तो दर्द ठीक कर सकती है, दर्द का इलाज है। पर अगर इन्हीं को एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया जाए तो ये दिक्कत देती है। तो मॉर्फिन जैसे काम में लेते हैं किसके लिए? पेन किलर, सिडेटिव, पेन किलर है ये, है ना। दर्द होता है अपन को, जैसे कोई सर्जरी हुई है ना, सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद पेन होता है यार, यहाँ से कट लगा दिया है, कट के बाद तो दर्द रहेगा ना इंसान के, तो उसका दर्द फील ना हो थोड़े दिन तक, तो उसको पेन किलर मॉर्फिन देते हैं। ठीक है, आई डोंट वॉन्ट टू अब्यूज ड्रग्स एनी मोर। ओहो यस राइट, ओहो यश को ड्रग्स के नाम मालूम है, साइक्लोस्पोरिन है वो, अम्यून सेल को। राइट राइट राइट, ठीक है। अब ये तो हो गए कुछ ड्रग्स के नाम। अब जैसे है ना, जैसे तबैको है, तो तबैको भी ना इन्हीं चीजों में आता है, तो तबैको के बारे में अपन इसलिए पढ़ते हैं। तो अब तबैको में क्या होता है? निकोटीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? निकोटीन प्रेजेंट होता है, जो कि एक एल्कलॉइड होता है। ठीक है, तो अब ये जो तबैको है ये कर क्या रहा है, मतलब वो सॉरी निकोटिन है, अगर प्रेजेंट है तबैको में तो प्रेजेंट रहने दो, हमारे घर से क्या जा रहा है? तो घर से ये जा रहा है कि जो निकोटिन है ना, वो स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड, हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, उसको स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, और फिर हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है? वो प्रोड्यूस करती है एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन हॉर्मोन। ठीक है, इनका तो बारे में अपन ने 11th क्लास में पढ़ा ही है। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ती है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो आपने नहीं देखा ये जो बहुत सारे मेल्स होते हैं, जो थोड़े आदमी लोग होते हैं, वो बोलते हैं मेल जो लोग होते हैं हमेशा ये बीपी की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, ये मेल्स में क्यों ज्यादा दिखाई देती है, फीमेल्स में नहीं देते? हमेशा आपने देखा होगा हर कोई मतलब बहुत कि हर कोई अंकल को बीपी का दिक्कत है, पर हर एक आंटी को इतना दिक्कत नहीं है। एक रीजन ये है कि वो तंबाकू बहुत खाते हैं, तबैको बहुत खाते हैं, और उसी की वजह से उनका हार्ट रेट और बीपी बढ़ता है। ठीक है, अच्छा जूबिया, अरे इफ्रा क्या बच्चा डिप्रेशन में चली गई क्या? पुरानी बातें याद ना आए उसके लिए कोई ड्रग, मतलब क्या दिल विल टूटा, हार्ट ब्रेक हुआ है क्या? कि पुरानी बातें मैं उसकी यादों से बाहर आना चाहती हूँ, कुछ ऐसा सॉर्ट ऑफ थिंग हुआ है क्या? अरे नो मैम, तो कौन सी पुरानी बातें भूलनी है? हाँ कौन सी पुरानी बातें भूलनी है बताओ? वैसे यहाँ पे बच्चों को दिक्कत है कि कुछ याद रह नहीं पाता, और इफ्रा को है कि पुरानी चीजें भूलनी है। हम लोग इस चीज से डील कर रहे हैं कि यार कुछ तो याद रह जाए, इतना पढ़ लेते हैं कुछ याद रहता नहीं है, कल क्या बोला था मम्मी ने वो याद नहीं रह रहा है, आज टीचर ने क्या बोला है वो याद नहीं रह रहा है, और इफ्रा को है कि चीजें भूलनी है। यश को हेलुसिनेशन हो रहा है। अच्छा यश के सूत्र कौन है बताना जरा, यश कौन कौन से सूत्रों से अपनी चीजें पता लगा रहा है जरा एक बार मुझे बता, नहीं सूत्र आए कहाँ से हैं?
डिप्रेशन का शिकार। अरे इफ्रा क्या क्या बताना भूल गई कि इसको क्या भूलना है। अरे सम डिस्ट्रैक्टेड थिंग्स बस। अरे कुछ नहीं यार, यार जीवन में इतना डिस्ट्रैक्शन है यार, मतलब कि बाहर जा रहे हो आप, कहीं निकले आप 2 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, इसमें इतना क्या लोड लेना है इफ्रा। और ना कभी किसी चीज के लिए, पहली बात इफ्रा किसी चीज के लिए अपन को दवाई नहीं लेनी है। इवन आपको जुकाम भी हो रहा है ना, कोल्ड भी हो रहा है, तो ना कोल्ड का एक टाइम पीरियड होता है 3 to 7 days, लाइक मैंने बताया था वो रहेगा ही रहेगा, 3 days तो मिनिमम रहेगा ही रहेगा। आप दवाई ले लोगे, उसकी वजह से जो आपके सिम्टम्स है वो थोड़े कम हो जाते हैं, पर आपका जो कोल्ड है वो तो रहने ही वाला है। तो ड्रग्स तो जितना हो सके ना, मतलब जो दवाई वगैरह होता है इन सबसे तो दूर ही रहना, जब तक एक्सेस में बहुत सारी चीज ना हो जाए जिसकी वजह से आप ऐसा हो जाए यार लाइक मुझे तो हॉस्पिटल लेके ही चलो, तब तक ना किसी चीज का दवाई ववाई तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना इसको अवॉइड करो ना उतना ही बढ़िया है। क्योंकि फिर क्या करना है, बुढ़ापे में बैठ के दवाइयां ही खानी है तुम सबको, तो बेटर है अभी किसी की दवाई ना लो, बुढ़ापे के लिए दवाई ववाई छोड़ दो। ठीक है अच्छा यश ऐसा, ठीक है फिर। ठीक है तो अब एडिक्शन और डिपेंडेंस की बात करते हैं। तो ना बहुत ये दोनों नाम ना बहुत सेम सेम लिख रहे हैं कि एडिक्शन और डिपेंडेंस। अब क्या हो रहा है कि लोग ड्रग्स ले क्यों रहे हैं, आप ड्रग्स ले क्यों रहे हैं, ड्रग्स इसलिए ले रहे हैं ना कि देखो उनको अच्छा लग रहा है। अब अच्छा क्यों लग रहा है, ऐसा तो है नहीं कि यार मतलब अच्छा बैठे बैठे लग जा रहा है। उनको अच्छा इसलिए लग रहा है, उनको एक तो साइकोलॉजिकल क्या हो चुका है, उनको ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे खुशी दे रहा है, भले वो खुशी नहीं दे रहा, ठीक है भले वो खुशी नहीं दे रहा है, पर उनके दिमाग में फिट हो चुका है यार इस चीज से मुझे खुशी मिल रही है तो बस ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे अपन को चीज होती है कि यार मतलब अपन जैसे ऐसे अपने कोई रिलेशंस भी होता है, तो अपन रिलेशंस में होते हैं यार इसका एडिक्शन हो चुका है मुझे, यार किसी चीज से अडिक्ट नहीं होना है आपको, तो यार मैं इसकी बहुत एडिक्टेड हूँ, ये हूँ वो, क्यों, क्योंकि सिर्फ अपन को ऐसा लगता है, अपन को दिमाग में ऐसा लगता है यार मुझे ना इसकी आदत हो चुकी है, मुझे इससे अटैचमेंट हो चुका है और इसके साथ मुझे खुशी मिल रही है। अरे यार आप किसी अगर इंसान की भी अगर बात लेते हो, ठीक है तो अगर आप उसके साथ नहीं रहोगे एक्स वाई जेड, अगर आज इफ्रा है सुमन के साथ, इफ्रा और सुमन दोनों बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उन दोनों को एक साथ रहने की आदत हो चुकी है, ठीक है तो अब अगर सुमन जो है थोड़े दिन के लिए बाहर चली गई, तो इफ्रा तो ऐसे हो गई यार नहीं मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। अरे क्यों नहीं लग रहा, सुमन चली गई तो क्या आपकी जिंदगी तो चल रही है ना, आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, आपका जो लाइफ है वैसा ही चल रहा है। तो साइकोलॉजिकल दिमाग में जब कोई चीज बैठ जाए कि वो चीज आपके लिए अच्छी है और उस चीज के बिना आपकी जिंदगी चल ही नहीं सकती, तो वो जब आपकी आदत बन जाए और वो चीज आपको रोज चाहिए तो वो हो जाता है एडिक्शन। तो एडिक्शन क्या है, इट इज, एडिक्शन इज साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, अटैचमेंट दिमाग से है ना, दिमाग में बैठा लिया है कि मुझे इससे अटैचमेंट हो चुका है। कैसे, कोई कौन सा अटैचमेंट, कोई फेविक्विक का जोड़ थोड़ी है जो अटैचमेंट हो गया, दिमाग में बैठ चुका है कि यार ये एक अटैचमेंट है। साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन अफेक्ट्स, जैसे कि सच एज, जिसकी वजह से आपको क्या हो रहा है, यूफोरिया हो रहा है, लाइक खुशी मिल रही है, ठीक है एंड टेम्पररी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ टेम्पररी है फीलिंग, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी फीलिंग है ये, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विथ ड्रग एंड अल्कोहल। तो लोग ड्रग एंड अल्कोहल इसलिए ही लेते हैं क्योंकि देखो अगर आपने एक बार कोई ड्रग लिया तो यार आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतना अच्छा अच्छा सा लगेगा यार, सबको जिंदगी में बहुत अच्छा हो गया, ठीक है पर तो आप उसको वापस लेना चाहोगे, ठीक है दो बार लिया फिर आपको लगेगा यार आज मैं थोड़ा सैड हूँ, थोड़ा खुश होने के लिए वापस ले लेता हूँ, तो अब आपके दिमाग में बैठ चुका है यार मेरे को खुशी सिर्फ उस ड्रग को लेने पे ही मिलेगी, तो आप उससे रोज लेते जाओगे, रोज लेते जाओगे और रोज लेते जाओगे, और अब आपको क्या हो चुका है, उसके बिना खुशी नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है क्या मेरी जिंदगी में खुशी तभी होगी जब वो मेरे को ड्रग मिलेगा, तो इसलिए अब अपन उससे अटैच हो चुके हैं और अपन ने दिमाग में बैठा लिया है यही हमारी खुशी है और इसी को हमने बोल दिया है अडिक्शन, ठीक है। तो अडिक्शन ये हो गया, तो डिपेंडेंस क्या है, डिपेंडेंस क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी
मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिम्टम सिम्टम्स नहीं बोलेंगे यहाँ पे, सिंड्रोम बोलना ज्यादा ठीक है, क्योंकि सिंड्रोम मैंने बताया था इट इज द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है ना, सिंड्रोम इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और एल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यू। अब क्या हुआ है, कोई रोज ड्रग ले रहा है ना, कोई रोज ड्रग ले रहा है, अब उसको एकदम से ड्रग देना बंद कर दिया यार, वो एक साल से लेता आ रहा है, एग्जाम्पल दिया है मैंने, अब आज एक दिन ऐसा हुआ कि उसे नहीं मिला, तो उसे तो खुशी नहीं होगी, वो क्या एकदम बौखला जाएगा, उसके हाथ पांव कांपने लगेंगे या फिर उसको बहुत कुछ पसीना आने लगेगा, वो बोलेगा कि यार बिल्कुल कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कभी कभार साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है, और इंसान इतना ज्यादा ऐसा हो जाता है कि मतलब उसकी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस आने लगते हैं, और उसी को हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम, विड्रॉल सिंड्रोम। क्या होता है विड्रॉल सिंड्रोम, क्या होता है किसी का कोई भी तरह का नशा हमने छुड़ाया तो उसकी बॉडी में बहुत तरह के चेंजेस आने लगे, लाइक उसको पसीना आ रहा है, शिवर कर रहा है, कांप रहा है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, कभी कभार ना किडनी में भी मतलब ऐसा होता है कि किसी को ऐसा लगता है कि यार यूरिन पास आउट करना है, पास आउट करना है, तो उसे लग रहा है कि मेरे को यूरिन इश्यूज हो चुके हैं, कि मेरे को कंटिन्यूसली यूरिन जाना पड़ रहा है, तो साइकोलॉजिकल बहुत चीजें हो जाती है, तो इसी को बोलते हैं हम विड्रॉल सिंड्रोम। अब क्या होता है कि टेंडेंसी टू बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक एंड अनप्लीजेंट विड्रॉल सिंड्रोम ऑफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एल्कोहल इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यू। अगर हमने कोई भी ड्रग और एल्कोहल है ना अपन ने एकदम से रोक दिया, तो उसकी उस पर हम डिपेंड हो चुके हैं कि यार ये हमें जब मिलेगा तभी हम ठीक है, तो उसपे ना हम एक तरह से डिपेंड हो चुके हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिपेंडेंस। एडिक्शन इज आदत बन जाना, पर उसको लग रहा है कि हम इसी चीज पे डिपेंडेंट है, और अगर ये चीज जिस पे हम डिपेंडेंट है उसको हमने हटाया तो हमारी बॉडी जो वो देती है सिंड्रोम सिम्टम्स, उसे हम डिपेंडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है एडिक्शन को छुड़ाना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि लोगों को दिमाग में बैठ चुका है कि यार मेरे को इससे अटैचमेंट है, तो कभी कभार बोलते हैं ना यार मेरा एडिक्शन था इस चीज से, मेरे को एडिक्ट हो चुकी थी, तो टाइम लगता है उस चीज से बाहर आने में। ठीक है, पर उसको जब बाहर आते तो कभी कभार आप हो जाते हैं साइकोलॉजिकल बहुत डिप्रेस हो जाते हो, उससे अलग होते होते किसी से आप अलग हो रहे हो किसी भी चीज से, तो विड्रॉल सिंड्रोम आ रहा है, तो वो एक चीज की डिपेंडेंस है कि आप उस चीज पे डिपेंड हो चुके थे, तो एडिक्शन और डिपेंडेंस। क्लियर है सबको? हाँ हाँ तो वही एकदम से जब छूटता है ना तो वो दिक्कत देता है। ठीक है, टेम्पररी हैप्पीनेस मतलब थोड़े टाइम की खुशी, परमानेंट खुशी नहीं है बेटा, जितने टाइम ड्रग का असर रहेगा आपकी बॉडी में उतने टाइम खुशी मिलेगी, बाकी वो परमानेंट खुशी कोई नहीं देने वाला है, और एक चीज याद रखना कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, राइट राइट इफ्रा, ठीक है, तो ये सबको क्लियर है। तो अब ना देखो क्या होता है, लोग इतना अडिक्ट हो जाते हैं यार, मतलब सिर्फ ड्रग छोड़ो, आपने कभी देखा होगा लोग चाय के लिए कितने अडिक्ट होते हैं कि यार उनको अगर शाम की चाय नहीं मिले तो मतलब वो हो जाते हैं यार आज तो मेरा दिन खराब है, मेरे से कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरे को काम करने के लिए चाय तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरे से लैपटॉप पे नहीं बैठा सारा, मेरे से ये घर का काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसके लिए मुझे चाय चाहिए चाहिए, तो चाय भी एक काइंड ऑफ अडिक्शन है, उनको चाय नहीं मिली तो उनके विड्रॉल सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, तो वो हो जाती है डिपेंडेंस कि वो उस पर डिपेंड हो चुके हैं चाय पे, तो वो है डिपेंडेंस, और चाय से जो लगाव हो चुका है उनको, जिसको लग रहा है उसकी वजह से खुशी मिलेगी, तो वो है एडिक्शन। सबको क्लियर है? हाँ, जैसे यश है विदाउट मैंगो, यश को चाहिए मैंगो, यश को मैंगो की आदत हो चुकी है तो उसका एडिक्शन है। अभी जैसे यश को थोड़े दिन से मैंगो नहीं मिला क्योंकि उसका सीजन जा चुका था, तो यश क्लास से गायब हो चुका था, तो वो उसका विड्रॉल सिंड्रोम था। ठीक है, क्लियर है सबको? प्रीत आई एम ऑल्सो प्रीत सेम हियर। ठीक है, ये सबको क्लियर है? जुबिया व्हाट अबाउट विंटर्स, क्या किस चीज में विंटर्स?
ठीक है, ये सबको क्लियर है? ड्रग्स में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ तभी तभी क्लास में वापस आ पाया ना यश। यार स्लीप से तो सभी एडिक्ट होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान को नींद नहीं मिले ना, फिर तो खतरनाक ही विड्रॉल सिंड्रोम आते हैं कि सामने वाले को आप सुना दोगे, उस पर गुस्सा कर दोगे कि तू चला जा, किसी को कुछ भी बोल दोगे। तो अगर स्लीप का जो विड्रॉल सिंड्रोम है वो तो बहुत ही खतरनाक है। यश सिंह मैम 7 days में डेथ, एडिक्टेड टू मूवीज टोटली। अरे जूबिया राइट, ट्रू ट्रू राइट पार्ट। ठीक है तो चलो ये क्लियर हो चुका है, अब फटाफट ना कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले। हाँ राइट प्रीत राइट। अरे यार गूगल पे ना बहुत सारी चीजें ना फेक भी आती है, उसके अंदर तो आप सर्च करोगे तो ये भी आएगा कि इंसान जुकाम से मर गया, इंसान को सर दर्द हुआ, आप लिखोगे कि यार सर दर्द हो रहा है 3 दिन से तो क्या होगा, गूगल बोलेगा आप मर जाओगे। आप कुछ भी लिखोगे यार मेरे नाखून में लग गई, तो गूगल ये बोलेगा आप मर जाओगे। तो इतना ज्यादा ना गूगल पे डिपेंडेंट नहीं होना है, क्योंकि गूगल आपको हर चीज में इवेंचुअली एंड में मार ही देगा। ठीक है अब देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेस मेलिग्नेंट मलेरिया? पी वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम। पता है ना पी बेटा, पी मतलब प्लाज्मोडियम। ठीक है फटाफट। हाँ सुमन सही बात है, आंसर फटाफट फटाफट, आई वांट आंसर। राइट इफ्रा, ठीक है वेरी गुड। सो आंसर है मेलिग्नेंट है पी फाल्सीपेरम। ठीक है अब नेक्स्ट है, व्हाट इज अ प्रोटीन कोट एंड जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन एचआईवी? अपन ने एचआईवी के बारे में पढ़ा था, तो उसके अंदर कौन सा जो होता है जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन कोट वो किसका होता है? मैंने डायग्राम भी बताया था कल वाली क्लास में, तो फटाफट बताओ, फटाफट आंसर चाहिए। मैं देख रही हूँ किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। वेरी गुड जूबिया, जूबिया का आंसर सबसे पहले आया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जूबिया, वेरी गुड चेतना, अंजलि, साक्षी, हर्षिता, मीशा, सुनीता, पार्थ, गुड सुनैना, कीर्ति, वेरी गुड सुप्रिया, भूमिका, दिव्या, वेरी गुड प्रिया। ठीक है गुड साक्षी। तो आंसर है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है ये तो बहुत इजी इजी था, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है देखो, गैम्बुजिया फिश हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू लेक्स एंड पॉन्ड्स इन इंडिया टू कंट्रोल अ डेडली डिजीज दे कंज्यूम लार्वा ऑफ, कि मतलब गैम्बुजिया फिश को डाला तो वो किसका लार्वा खाती है? फर्स्ट नेपेंथिस, सेकंड एनोफिलीज, थर्ड ड्रैगन फ्लाई, फोर्थ हाउस फ्लाई। किसको खाती है, किसके लार्वा को खा जाती है, फटाफट बताओ। वेरी गुड एवरीवन, तो आंसर है एनोफिलीज। ठीक है ये क्लियर है, तो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट इज एन एंटीवायरल सब्सटेंस? ए एंटीजन, बी एंटीबॉडी, सी इंटरफेरॉन, डी एंटीबायोटिक। चलो बताओ एंटीवायरल सब्सटेंस कौन सा है? ये फैक्ट है जो आपको याद रखना है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट, तो कि मैंने बताया भी था। राइट सब, एक बार सोच लो आंसर, किसी को चेंज करना है तो अभी कर सकता है, फिर मैं बताने वाली हूँ आंसर। मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ इस आंसर में। ठीक है किसी को कुछ देखना है तो देख लो, किसी को कुछ भी चेंजेस करना है तो कर लो।
सबके आंसर चेंज हो गए, ए बी सी डी सबने बता दिया। ओ साक्षी, हर्षिता, वेरी गुड, साक्षी, हर्षिता एंड तनु एंड नाजिया। ठीक है, तो इसका आंसर है, मुझे पता था सबको ये लगेगा कि इसका आंसर होगा एंटीबॉडी। क्यों? एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन रही है, किसी भी कोई भी एंटीजन आ गया तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जा रही है, तो इसका आंसर एंटीबॉडी होगा। नहीं, इसका आंसर इंटरफेरॉन है। मैंने आपको इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क किया हो, फैक्ट कि क्वेश्चन आ जाए कि एंटी वायरल सब्सटेंस कौन सा है, एंटी वायरल सब्सटेंस कौन सा है, तो आपको डालना है इंटरफेरॉन, जो अपन ने पढ़ा था इम्यूनिटी में जब हम पढ़ रहे थे फिजिकल, साइकोलॉजिकल और साइटोकाइंस। तो आपको याद आया, अपन ने जब पढ़ा था उसके अंदर अपन ने इंटरफेरॉन्स पढ़ा था, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फिजिकल हमारा स्किन वाला, तो ये सारा इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना, व्हाट इज एन एंटीवायरल सब्सटेंस, तो एंटीवायरल सब्सटेंसेस इंटरफेरॉन। ठीक है, ये मैंने आपको वहां पे इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं अगर उसे बता दी तो शायद आप याद नहीं रखते। यहाँ पे मुझे चाहिए था, मुझे पता था आंसर आप लोग ये गलत करने वाले हो, इसीलिए गलत करके अभी सही हुए हो, तो आपको याद रहेगा अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो। अभी क्लियर हुआ इफ्रा? ठीक है, तो अब बताओ, कोलेस्ट्रॉम सिक्रेटेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड कंटेन विच टाइप ऑफ एंटीबॉडीज? वेरी गुड, ये तो इजी था, मुझे पता था ये सबको तो आता ही आता है। वेरी गुड, नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीजन? ए लोअर्स बॉडी टेम्परेचर, बी किल हार्मफुल बैक्टीरिया, सी ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, डी इज यूज्ड एन एंटीडोट टू द पॉइजन। क्या है इसका आंसर बताओ? वेरी गुड, जुबिया, कृति, साक्षी, मन, भूमिका, दिव्या, चेतना, कोमल, वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर इज सी। देखो क्या हुआ है, देखो कोई भी एंटीजन, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, एक्सवाइजेड, कुछ भी जब हमारी बॉडी में आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, वो हमारी बॉडी में एक मेमोरी क्रिएट करता है। जूबिया ने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, वो क्या करता है, मेमोरी क्रिएट करता है, या और वो मेमोरी कैसे क्रिएट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को पहले ट्रिगर करता है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, फिर एंटीबॉडीज बनती है जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, फिर जब वो बैक्टीरिया जो भी पैथोजन है, एंटीजन है, जब वो वापस आता है तो हमारी बॉडी में सेकेंडरी मेमोरी बनती है। याद आया? तो जब कोई भी एंटीजन आ रहा है हमारी बॉडी में, वो क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। ठीक है, आंसर क्लियर है सबको? इट विल ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। सबको क्लियर है? हाँ, राइट राइट जुबिया, क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द क्रॉनिक इनटेक ऑफ व्हाट इज सिरोसिस ऑफ द लिवर कॉज? फर्स्ट ओपियम, सेकंड अल्कोहल, सी तबैको, डी कोकेन।
यस, कहीं से कट कॉपी पेस्ट कर दिया क्या? वेरी गुड आंसर इज एल्कोहल. तो सिरोसिस ऑफ लीवर, तो पता है ना कि लीवर जो है बर्बाद हो चुका है, डैमेज हो चुका है, तो इसलिए बोलते हैं इतना ज्यादा अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल पीने से क्या होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, यानी सिरहोसिस हो जाता है. ठीक है. हाँ, सम ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम पोटेंशियल प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद क्रॉनिक स्लीप डिप्रिवेशन आर हाई ब्लड प्रेशर. हाँ बिल्कुल सही है. देखो क्या होगा, आप जब लंबे टाइम तक सो रहे हो, यश ने एक पॉइंट भेजा है कि ज्यादा क्रॉनिक स्लीप से क्या होता है, लंबे टाइम तक आप सोते हो भाई, आप बिस्तर पे पड़े हुए कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, तो क्या करोगे, आप मोटे हो जाओगे, फैल जाओगे, आपका जो ब्लड प्रेशर है, फिर आप मोटे हो गए, ओबेसिटी हो गई है, तो वो सारी दिक्कत हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, आपको डायबिटीज हो जाएगी, हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो जाएगी. ठीक है, ये सारी चीजें होती है, पर उसके लिए आपको कुंभकर्ण बनना पड़ेगा पहले. ठीक है. अब अ स्नेक बाइट इज ट्रीटेड विद एंटीविनो, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक नेचुरल इम्यूनिटी. सोच लो बी है या सी है, कंफर्म हो जाओ. देखो देखो देखो, मैंने बोला नहीं कंफर्म हो जाओ, एकदम से ऐसे ना सबका आंसर सी से बी पलटा, मतलब देखो एक सेकंड में पलट गए, कितने पलटू लोग हो यार. अरे बेटा इसका आंसर सी ही है, मैं आपको कंफ्यूज कर रही थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे. आंसर इज नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, इसका आंसर नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी ही है. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग सही थे. ठीक है, थोड़ा सा ना खुद के आंसर पे कॉन्फिडेंस बना के रखो. हाँ इफ्रा प्रिया, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, तो वही ऐसे कोई भी आपको आके कुछ भी बोलेगा ना, तो ऐसे नहीं लड़ जाना है कि भाई अगर आपको लगता है मेरा आंसर सही है तो सही है मेरा आंसर, जब तक आपको उसका आंसर की नहीं मिल जाता. ठीक है. तो कितने पलटू बच्चों, एक सेकंड में यू टर्न मारा है, मतलब मैंने एक डायलॉग क्या बोला, एकदम से सबने गाड़ी ऐसे मोड़ी ना जिस स्पीड से, और वो भी एक बच्चे ने नहीं, एक साथ सबने लाइन से मोड़े हो सारे के सारे. ठीक है, चलो आ जाओ वापस. इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी वर्क्स एज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट फर्स्ट एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड ब्लड गॉल ब्लैडर स्टोन्स बाय ब्रेकिंग देम, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर किडनी स्टोन्स. ये तो बहुत इजी है, ये मेरे को लगता है कि सबको पता होगा ये वाला आंसर. तो वेरी गुड, कैंसर का ट्रीटमेंट अपन ने बताया था, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, ये सब. तो ये जो रेडिएशन थेरेपी का एक टाइप होता है इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी, तो ये अपन को सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर को ट्रीट करने के काम आता है. ठीक है, राइट राइट जूबिया. ठीक है. अब अ यंग ड्रग एडिक्ट ऑफ्टन शोड साइंस ऑफ डिप्रेस ब्रेन एक्टिविटी, फीलिंग ऑफ कामनेस, रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस. ड्राउजीनेस ऐसे ऐसा कि मतलब किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर से आ रहा है, नींद आ रही है, वो ड्राउजीनेस होती है, नींद बहुत ज्यादा आ रही है. तो व्हाट कैन बी पॉसिबली टेकिंग, वो कौन सा ड्रग ले रहा होगा, बताओ बताओ फटाफट बताओ कि वो कौन सा ड्रग ले रहा होगा. बॉडी के फंक्शन स्लो हो गए हैं, तो उसने कौन सा ड्रग लिया होगा. सोच लो, कोई गाड़ी नहीं पलटेगा वापस अब.
ठीक है, तो आंसर मेरे को ना एक ही सबके अलग अलग दिखाई दे रहे, सिमिलर पैटर्न तो नहीं दिख रहा। ठीक है, तो आप कितने यूटर्न मार लो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो सबके अलग अलग जाने वाली है। तो ये इसका आंसर है डी, वेलियम। क्या आंसर है इसका? वेलियम। वेलियम एक ऐसा ड्रग होता है, ये भी क्या करता है आपके बॉडी के फंक्शन को ना डिप्रेस विद एक्टिविटी फीलिंग। देखो या देखो, एक छोटा सा बच्चा है, अपने सी एज का कोई बच्चा है, शोड साइंस ऑफ डिप्रेस विद एक्टिविटी फीलिंग ऑफ कामनेस रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस। मतलब उसको सब ऐसे धीरे धीरे चलता हुआ दिख रहा है, मतलब ना उसकी दुनिया थम सी रही है ड्रग्स ले लेके। तो वो कौन सा ड्रग्स है जो उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को स्लो कर रहा है? जैसा वो हेरा फेरी वाला अक्षय कुमार का कौन सा वाला ड्रग है वो करता है, मॉर्फिन। वैसे यहाँ पे वेलियम है, वो भी सेम काम करता है। तो यहाँ पे बस मेरे को वेलियम का एक एग्जाम्पल देना था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। तो सबको क्लियर है? हाँ राइट। देखो पूरा का पूरा ना अपन ने इतने से मैं एक्सप्लेन कर दिया हीरोइन को, इतने से मैं एक्सप्लेन कर दिया हेरा फेरी करके। क्लियर है सबको? देखो किसने मारिजुआना वाला बोला था, एक मारिजुआना वाला मैं खोलती हूँ। देखो अपन ने ना कैनाबिनोइड्स यहाँ पे पढ़ा था, और कैनाबिनोइड्स का ये मारिजुआना ये रहा। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, इट विल अफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अपन ने कहीं भी ये मेंशन नहीं किया है कि अपन ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या जाके इफेक्ट कर रहा है, कि ये बॉडी के फंक्शन को तेज करेगा धीरे करेगा। अपन ने सिर्फ दो ड्रग के फंक्शन पढ़े हैं जो अपने सिलेबस में है, ओपियोइड्स कि ये बॉडी के फंक्शन को स्लो करता है, और एक है कोकीन जो बॉडी के फंक्शंस को बढ़ा देता है। और आप जो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंफ्यूज हुए ना, जो एक बच्चा वो जो कैनाबिनॉइड्स का, अपन ने उसमें सिर्फ मेंशन किया था कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके एक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है जुबिया? यार बच्चों ऐसा ना करो, धोखेबाज से मत बोलो। हाँ तो यश कुछ चीजें बतानी पड़ेगी ना। देखो अब यश बोल रहे मैम ये तो बुक में ही नहीं है। अरे पर ऐसा थोड़ी अपन बुक से पढ़ते हैं, उसका मतलब थोड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अपन छोड़ दें। ये आ सकता है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था, इसलिए मैंने ये आपको बताया। ठीक है, सबको क्लियर? आप किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लास खत्म कर रहे, सबको सब कुछ समझ आ चुका है ना? मैम 2 मिनट। ठीक है, मेरे को एनसीईआरटी में ऐड करने दो। हाँ कर लो कर लो। ठीक है, सबको सब क्लियर है? खत्म करें क्लास। ठीक है, मैं एक बार स्लाइड दिखा दे रही हूँ, एक बार आप देख लो। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय। तो ये रही फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, बाय एवरीवन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हाँ वो तो मैं भेज दूंगी। फाइव, सिक्स, और ये रहे क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे आपके पीडीएफ में। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लास खत्म करें। ओके ओके, हाँ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो चैप्टर सबको क्लियर है ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको अच्छे से आ चुका है ना?
ठीक है चलो, वेरी गुड, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन। इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट किस चीज में, कौन से उसमें मिला है आपको ये इन्वेस्टिगेटरी? मतलब इसके ना तो कुछ भी ना, मतलब आप बहुत गूगल पे सर्च कर सकते हो कि ऐसा कोई चीज है ना, मतलब जो पहले इन्वेंट हो रखा है आप उसको कुछ वापस बनाना है तो एकदम से नहीं क्लिक होगा, बट जैसे नहीं होता इसका कुछ बेस्ट एग्जांपल अगर आप बनाना, प्रोजेक्ट बनाना है ये वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं आपको सोच के बताऊंगी, अगर आपको बेस्ट चीज चाहिए तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ फिर मैं आपको एकदम से। ऐसे तो फिर तो बहुत छोटू मोटू भाई, बहुत सारे जो बच्चे करते रहते हैं। हाँ वही वही, ठीक है तो मैं सोच के बताऊंगी आपको। ठीक है अभी क्लास खत्म करते हैं, पर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ओके, बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।